मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगते गिरिं यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रवि ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आज हम रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य शास्त्री प्रथम वर्ष के विषय वस्तु में निहित है, जिसमें रघुवंश महाकाव्य का दूसरा सर्ग लगा है। आज हम रघुवंश महाकाव्य का दूसरा सर्ग आरंभ कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम रघुवंश महाकाव्य का सामान्य परिचय जानते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ हमें जब पढ़ना हो तो उसका सामान्य परिचय होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले रघुवंश महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास हैं। महाकवि कालिदास के विषय में हम इससे पहले जान चुके हैं। पूर्व की जो वीडियो थी वो महाकवि कालिदास के विषय में ही थी। आइए अब हम रघुवंश महाकाव्य का सामान्य परिचय जानते हैं। रघुवंश महाकाव्य का मूल आधार ग्रंथ, जिसे उपजीव्य ग्रंथ भी कहते हैं, वाल्मीकि रामायण है। संपूर्ण रघुवंश महाकाव्य का कथानक 19 सर्गों में विभक्त है, जिसमें इक्ष्वाकुवंशीय राजा दिलीप के जन्म से लेकर अग्निवर्ण तक के राजाओं का वर्णन है। सभी सर्गों में कुल श्लोकों की संख्या 1569 है। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में 75 श्लोक हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं। आइए अब हम जानते हैं प्रथम सर्ग में क्या घटनाक्रम चला था, क्योंकि आपको द्वितीय सर्ग पढ़ना है और द्वितीय सर्ग का आधार प्रथम सर्ग ही है। जब तक उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे सर्ग का आपको समझना कठिन हो जाएगा। आइए इसलिए पहले हम प्रथम सर्ग का सामान्य परिचय कर लेते हैं। प्रथम सर्ग राजा दिलीप के चरित्र वर्णन से प्रारंभ होता है। पुत्र विहीन राजा दिलीप अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना से कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ उनकी पुत्र विहीनता के उपाय के रूप में अपने आश्रम में निवास करने वाली कामधेनु की पुत्री नंदिनी नाम गाय की सेवा का परामर्श देते हैं। कामधेनु भगवान इंद्र की गाय है, जो सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। उसकी पुत्री नंदिनी गाय वशिष्ठ जी के आश्रम में थी, जिसकी सेवा का परामर्श वो राजा दिलीप को देते हैं। आइए अब हम रघुवंश महाकाव्य आरंभ करते हैं। इसमें दूसरा सर्ग आपका लगा हुआ है, उसका प्रथम श्लोक है। सहस्वर वाचन करेंगे, आप भी मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिए। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशो धनो धेनु मृषेर मुमोच यशो धनो धेनु मृषेर मुमोच। आपकी परीक्षा में इस प्रकार यह श्लोक दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको वह कैसे करना है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे। संकेत का उदाहरण हमने आपका आपके लिए यहाँ पर दिया है। अथ डैश 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 धेनु मृषेर मुमोच है। इसके बाद आप इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग किस प्रकार लिखना है देखिए। प्रस्तुतम पद्यमिदम अस्माकम पाठ्य पुस्तक रघुवंशम नामना ग्रंथात उद्धृतम वर्तते। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश नामक
ग्रंथ से लिया गया है या उद्धृत है। अस्य ग्रंथस्य रचनाकार महाकवि कालिदास वर्तते। इस ग्रंथ के रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। अस्मिन् सर्गे पुत्र प्राप्त्यर्थं सपत्न्या राज्ञा दिलीपस्य नंदिनी गोसेवाया वर्णनम वर्तते। इस सर्ग में पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी के साथ राजा दिलीप द्वारा की गई नंदिनी गाय की सेवा का वर्णन है। इसके उपरांत आप अन्वय लिखेंगे। अन्वय किस प्रकार लिखना है आइए देखते हैं। अथ यशोधन है प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम पीत प्रतिबद्ध वत्साम ऋषे धेनु वनाय मुमोच है। अब इसके बाद संस्कृत में इसका शब्दार्थ लिखेंगे। अथ निशानयनानन्तरम यशोधन कीर्ति वित्त प्रजानाम जनानाम अधिप स्वामी। अधिप स्वामी किसके लिए प्रयोग हुआ है? राजा दिलीप है। प्रभाते प्रातः काले जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम सुदक्षिणा स्वीकारित श्रकृचंद नाम पीत प्रतिबद्ध वत्साम दुग्ध पानानंतरम निबद्ध बाल वत्सकाम ऋषे महर्षे सब कुल गुरु वशिष्ठस्य। ऋषे किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो उसके लिए हम इन सब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। महर्षे सब कुल गुरु वशिष्ठस्य धेनुम गाम गाम कौन सी? नंदनीम वनाय वनम गंतुम मुमोचे मुक्तवान। आइए अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। अर्थ जानने के लिए आपको अन्वय देखना होगा क्योंकि अर्थ के लिए अन्वय ही एकमात्र सहारा है जिसके द्वारा आप इसका अर्थ अच्छे से लगा सकते हैं। अथ अथ मतलब अब का क्या अर्थ हुआ? रात्रि के बीत जाने पर। यशोधन यश ही जिनका धन है। प्रजा नाम अधिपे प्रजा पालक जो राजा दिलीप है या राजा दिलीप जो प्रजा के पालनहार हैं। प्रभाते प्रातः काले प्रातः काल में जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम जिनकी पत्नी सुदक्षिणा द्वारा गंधमाला इत्यादि प्रदान की गई हैं जिसे प्रदान की गई हैं। पीत प्रतिबद्ध वत्साम और दूध पीने के उपरांत जिसके वत्साम मतलब बच्चे को बछड़े को बांध दिया गया है। बद्ध मतलब बांध दिया गया है। ऋषे महर्षि वशिष्ठ धेनुम बनाए मुमोचे। जो धेनु है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? नंदिनी गाय के लिए। तो नंदिनी गो वनाय विमोचे वन के लिए उसे खोलते हैं। आइए अब इसका सामान्य एक बार अर्थ देख लेते हैं। रात्रि के बीत जाने पर यश के धनी प्रजा के पालक राजा दिलीप ने प्रातःकाल सुदक्षिणा द्वारा दी हुई गंधमाला को ग्रहण करने वाली दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गो को वन में चराने के लिए खोला। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से